मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। कानपुर के जाजमऊ थाना इलाके में 7 नवंबर की देर रात खाली पड़े प्लाट में बनी झोपड़ी में आग लगने के बाद पीड़ित महिला ने समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई पर आग लगाने का इल्जाम लगाया, जिसके बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। 9 नवंबर की देर रात कई थानों के पोस्ट ने विधायक के घर उनके भाई और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश मारी। उसके बाद से लगातार विधायक इरफान सोलंकी और उनका भाई रिजवान सोलंकी फरार है। पुलिस कमिश्नरेट ने गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाए और एसआईटी का भी गठन किया, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब इस मामले में विधायक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। पूरे मामले में विवेचक ने ही कोर्ट से NBW वारंट जारी कराया है। इस पूरे मामले पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि विधिक कार्यवाही के तहत अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो कुर्की की भी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से संवाददाता अजय पत्रकार की विशेष रिपोर्ट। बाइट आनंद प्रकाश तिवारी, ज्वाइंट कमिश्नर। इस मुकदमे में विवेचना की जा रही है। हमने सारे स्टेप्स इस विवेचना के क्रम में अब तक ले लिए हैं। प्रश्नगत प्रकरण में जो नेम्ड एक्यूज्ड हैं उनकी पूछताछ की जानी बाकी है। हमने उनकी तलाश की है। कल हमने न्यायालय से NBW भी प्राप्त किया है और हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि जल्दी ही प्रसंगत प्रकरण के दोनों ही नेम्ड एक्यूज्ड हमारे पास परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो विधि के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल हमने NBW लिया है और जैसी आवश्यकता होगी विधि के अनुरूप वैसी कार्यवाही आगे की जाएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.